ये वर्दी और बैंड नंबर वन जाएगा बच्चा अपने गले में। हमारे बॉलीवुड में ऐसे कई अभिनेता रह चुके हैं जो अपने बेहतरीन अभिनय और दमदार एक्शन के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं अभिनेताओं में से बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सनी देओल भी अपनी दमदार एक्टिंग और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी को लेकर जाने जाते हैं। हिंदी सिनेमा में सनी ने काफी फिल्मों में काम किया और आज के समय में देश में हर कोई इनकी एक्टिंग का दीवाना है। अपने करियर में सनी ने काफी एक्ट्रेसेस के साथ फिल्में की हैं। आज हम बात करेंगे सनी देओल की फिल्म घातक के बारे में, जो 8 नवंबर 1996 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी थे। शायद आपको याद होगा कि सनी देओल के साथ बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री लीड रोल में नजर आई थी। आपको बता दें कि मीनाक्षी पहले से काफी बदल गई हैं और उन्हें पहचानना मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और दोस्तों, अगर आपको भी मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्म घातक पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मीनाक्षी का जन्म 16 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी में हुआ। उनके पिता फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सिंदरी में कार्यरत थे, जिसके बाद उनका परिवार इसी शहर में बस गया था। मीनाक्षी शेषाद्री ने अपनी शिक्षा दिल्ली के माउंट कामिल स्कूल से पूरी की। अपनी खूबसूरती की बदौलत इस अभिनेत्री ने साल 1981 में मिस इंडिया का टाइटल जीता था। मीनाक्षी ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत 1983 में पेंटर बाबू फिल्म से की थी, लेकिन उन्हें सफलता सुभाष घई की फिल्म हीरो से मिले। उनके ऑपोजिट जैकी श्रॉफ थे। अपनी पहली ही फिल्म से मीनाक्षी रातों रात सुपरस्टार बन गई। उसके बाद मीनाक्षी ने कई सफल फिल्में की, जिसमें दामिनी, घर हो तो ऐसा, बड़े घर की बेटी, गंगा यमुना सरस्वती, घर परिवार, घायल और घातक जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी, जिन फिल्मों को दर्शक आज भी देखना चाहते हैं। राजकुमार संतोषी घायल लेकर 1990 में मीनाक्षी के करियर में आए, तब वो मशहूर अदाकारा थी। लेकिन वहीं राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की शुरुआत की थी। घायल सुपरहिट रही और इसने सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री को जबरदस्त कामयाबी दी। इस दौरान राजकुमार संतोषी मीनाक्षी को दिल ही दिल में चाहने लगे और प्रस्ताव लेकर मीनाक्षी के पास गए, लेकिन बात नहीं बनी। अपने एक इंटरव्यू में अपनी इसी प्रेम कहानी के बारे में राजकुमार संतोषी ने कहा, मैं मीनाक्षी शेषाद्री से प्यार करता था, लेकिन उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं उनसे शादी करना चाहता था। राजकुमार संतोषी के साथ मीनाक्षी ने घायल के अलावा दामिनी और घातक जैसी हिट फिल्में भी दी थी। शादी के बाद मीनाक्षी ने फिल्मों से दूरी बना ली। मीनाक्षी से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या उन्होंने फिल्मों में वापसी के बारे में कभी सोचा नहीं, तो उनका जवाब था कि उन्होंने फिल्मों में वापसी इसलिए नहीं की क्योंकि उनके लिए पहले परिवार है। परिवार के लिए उन्होंने फिल्मी करियर से ब्रेक लिया है। 53 साल की मीनाक्षी ने साल 1995 में हरीश मैसूर से शादी की, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। शादी के बाद मीनाक्षी अमेरिका में जाकर बस गई। उनके दो बच्चे केंद्रा और जॉश हैं। तो दोस्तों, आपको मीनाक्षी शेषाद्री की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारी वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,